नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। आज है 24 अक्टूबर 2024। मैं हूं संजय सिंह महान, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड वी ब्रेकिंग के साथ हमीरपुर महोबा की ताजा खबरें। आज राठ के रामलीला में होगा दशरथ प्रतिज्ञा और राम वनवास का मंचन रात 8 बजे। SDM की ID हैकर 84 किसानों की ओलावृष्टि की धनराशि दूसरे खाते में भेजी। 10 दिन के अंदर किसानों के खातों में वापस भेजने का दिया गया आदेश। महोबा में हाईवे पर ईंट लदे चलते ट्रक में लगी आग, चालक परिचालक ने कूद कर बचाई जान। महोबा में बहन से छेड़छाड़ के विरोध में भाई पर रोड से किया हमला, हुई मौत। महोबा के 15 मुख्य आरक्षी पदोन्नत होकर बनेंगे उप निरीक्षक। हमीरपुर में 18 साल पुराने डकैती के मामले में पिता पुत्र समेत 6 को उम्र कैद। हमीरपुर में शराब पीकर ड्यूटी कर रहा था रोडवेज चालक, हुआ निलंबित। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्यपाल यादव ने दुष्कर्म पीड़िता की पढ़ाई का लिया जिम्मा। महोबा में OPD के बाद वार्ड बॉय मरीजों का इलाज कर दे रहे दवाएं। भरुआ सुमेरपुर में नौकरी व दुकान आवंटन के नाम पर 4,86,000 की ठगी। राठ नगर में पुष्प वर्षा कर किया गया राम बारात का स्वागत। महोबा में भाजपा ने लक्ष्य से अधिक बनाए सदस्य। हमीरपुर में पट्टे होते ही मत्स्य समिति के संचालकों व विभाग के बीच विवाद शुरू। सरीला में बायोमेट्रिक मशीन में गड़बड़ी से नहीं बढ़ सकी खाद, SDM ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया। अजनर में 2 दिन से समिति में खाद न होने से लटक रहा ताला। सरीला में सपाइयों ने मूंगफली क्रय केंद्र खोलने की मांग। हमीरपुर में इस वर्ष अब तक मिले 24 कुष्ठ रोगी। हमीरपुर में 14 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत, तैयारियां हुई तेज। मुस्कुरा में 4 साल पहले हुए दुष्कर्म में आरोपी को 10 साल की सजा, 30,000 जुर्माना। राठ में राम बारात देखने परिवार के साथ गए सर्राफ के घर, चोरी। भरुआ सुमेरपुर में रंगदारी मांगने वाले रविंद्र कुमार पर रिपोर्ट दर्ज, हुआ गिरफ्तार। आपका खबरों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।